अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा जो है ये पहला इफ्तार है और मैंने ये कबाब बना के रख लिया है, चने का चाट बनाया है और रवाबज़ा बना रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज मेरा तबीयत जो है रात से बहुत ख़राब हो गया था, मुझे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसी सिचुएशन में मैंने रोज़े रखी हूँ और इसलिए मैं आज अफ्तार में कुछ ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने ये रोस्टेड वाला सेवइयाँ जो है मैंने ये सेवइयाँ बना रही हूँ और मैं आज इंडक्शन में ही बना रही हूँ। तो ये सेवइयाँ बनने के बाद जो है मैं बाकी जो थोड़ा बहुत अफ्तारी के लिए तैयारी कर पाई हूँ तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहला रोज़े अफ्तारी है रमज़ान की और अगर आप लोगों के साथ शेयर ना करती तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी तबीयत की ख़राब की वजह से मैंने ज़्यादा कुछ इंतज़ाम अफ्तारी के लिए नहीं कर पाई और किसी को शायद मैं कुछ दे भी नहीं पाऊँगी। आप लोगों को मेरे वॉइस से भी पता लग रहा होगा। तो अभी मैं ये कबाब जो है इसको मैंने फ्राई कर लूँगी और मैंने थोड़ा सा पापड़ फ्राई कर लूँगी। पकौड़े आज नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है और इसी तरह से जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए अफ्तारी तैयार हो गया है, तो मैंने ये थोड़ा सा ही मैंने अपना रोज़े अफ्तारी के लिए किया और यहाँ पर कबाब भी टूट गया मेरे से आज और यहाँ पर मैंने सेवइयाँ बना लिया है। तो अल्लाह ताला मेरे रोज़े को कबूल करे और आप लोगों के भी रोज़े को कबूल करे और जहाँ से भी जिस कंट्री से भी मुझे देख रहे हैं आप लोगों को लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे और आप लोगों को हर मुश्किलों से हिफाजत करे। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, जो मेरे साथ हुआ वही मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।